हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में आने वाली मूवीज के बारे में। इससे पहले मैंने जो अपडेट दिया था उसमें मेनली डिज्नी प्लस के आने वाले सीरीज को लेकर अपडेट था, बट अब जो अपडेट आई है वो मूवीज को लेकर है। एज MCU आज जो भी है वो अपने मूवीज के बदौलत है। नो डाउट नेटफ्लिक्स में डेयर डेविल, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स एंड आयरन फिस्ट ने भी अच्छा खासा नाम कमाया है, बट आज के टाइम में भी कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जबकि इनका हिंदी डब भी अवेलेबल है। डिज्नी प्लस के शोज इंटरेस्टिंग है, बट वो MCU के गैप्स को भरने में और बिल्डअप के लिए है। जैसे कि वांडा विजन का मेन मकसद सिर्फ इतना था कि वो वांडा को स्कारलेट विच का टाइटल दे, प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए एक सेटअप बनाए। इसीलिए तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के डायरेक्टर सैम रेमी ने कहा था कि अगर किसी ने वांडा विजन नहीं भी देखा है तो भी वो आसानी से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देख सकते हैं और उसे समझ जाएंगे। वेल, इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है ये तो हमें मूवी आने पर पता चलेगा। तब तक चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी मूवी आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आदि मानव काल से पोस्टपोन्ड हो रही MCU की फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फीमेल सुपर हीरो बट MCU की सेकेंड फीमेल लीड मूवी ब्लैक विडो की, जो कि जुलाई 9, 2021 में रिलीज की जाएगी। लेकिन जो हालात इंडिया के हैं, शायद ही हमें ये सिनेमा हॉल में देखने को मिले, लेकिन इसका आनंद आप हॉटस्टार डिज्नी प्लस सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। वैसे सुनने में आया था कि ये मूवी ऐसे तो रिलीज के 3 महीने बाद हॉटस्टार में अवेलेबल होगी, बट इंडिया जैसे कंट्रीज जहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सिनेमा हॉल खुलने के कोई आसार नहीं है, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके भी आप इसे देख सकते हैं रिलीज डे के दिन ही। ब्लैक वीडियो के ठीक 2 मंथ बाद 3 सितंबर 2021 को शांग-ची द लेजेंड्स ऑफ 10 रिंग्स मूवी आएगी, जिसका ट्रेलर हाल फिलहाल में आपने देखा ही होगा, जो कि मार्वल यूनिवर्स के बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट के बारे में होगी। बट इसके स्टेक्स को हाई करने के लिए इसमें ड्रैगन्स तो कई तरह के मिस्टिकल बीस्ट को भी दिखाया जाएगा, प्लस वही मार्वल के सुपर हिट फॉर्मूला को भी यहां पर यूज किया गया है, जो कि है वही फादर सन इशू। इसके अलावा इटर्नल्स मूवी के कुछ झलक हमें दिखाए गए हैं, जिसको मैं टीजर तक नहीं कह सकता, बट जो भी था मुझे पंप अप करने के लिए काफी था, जिसके वजह से मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि ये मूवी जो होगी यही डिसाइड करेगी कि MCU कॉस्मिक पावर लेवल के मामले में किस जगह पर स्टैंड करता है। इटर्नल्स फिलहाल के लिए नवंबर 5, 2021 को शेड्यूल है रिलीज के लिए, बाकी देखिए कहीं लास्ट टाइम के जैसे इसको भी पोस्टपोन ना कर दिया जाए। एंड जितने भी लोगों का ये सवाल आ रहा है कि अगर इटर्नल्स MCU में आदि मानव काल से हैं, तो ये लोग इन्फिनिटी वार और एंड गेम में साथ देने के लिए क्यों नहीं आए थे और वो कहाँ थे, तो इसका जवाब मैंने आपको एक पुराने वीडियो में दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में शो होगा, वरना जस्ट वेट फॉर द ब्रेकडाउन वीडियो, उसमें मैं सब क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट आती है मकड़ मानो की फिल्म, जिसको अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा, यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि इटर्नल्स के जस्ट 1 मंथ बाद दिसंबर 17 तारीख को आएगी, मतलब कि इस साल हमें 4 मार्वल मूवीज देखने को मिलेंगे। वेल, इसके बाद अगले साल हमें डॉक्टर साहब की मूवी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल वो भी कोरोना पेशेंट्स को देखने में बिजी हैं। वैसे एक रिमाइंडर कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, और प्लीज जितने प्रिकॉशंस हो सकते हैं उनको लीजिए, एज इस साल ये बहुत ही बड़ा रूप ले चुका है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो लास्ट ईयर मेरे रिलेटिव, तो क्या दूर के रिश्तेदार जिनसे मैं कभी मिला तक नहीं, उन्हें कोविड तक नहीं हुआ था, बट इस साल अपनों को खोया है तो कुछ तो अभी भी उससे रिकवर हो ही रहे हैं, तो इस चीज को सीरियस लें और अपना ख्याल खुद रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। वेल, इतनी लेट से वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इस लोगो के बीच में अगर आप ध्यान दें तो यहां एक मिरर इमेज और हल्का हल्का सा आपको वाइब मिलेगा स्कारलेट विच के जैसे, जैसे कि वो वांडा विजन के एंड में हवा में यहां पे बुक खोल के बैठी हुई थी। वेल, अभी तक अगर आप कंफ्यूज हैं कि वांडा एक टाइम पे 2 जगह पे कैसे थी और उसको टॉमी और बिली की आवाज कैसे सुनाई दे रहे थे, तो आप वांडा विजन के एंडी एक्सप्लेन वाले वीडियो को देख सकते हैं, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और वो कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्ट होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मार्च 25, 2022 को रिलीज होगी, जिसके ठीक 1 मंथ बाद यानी कि मई 6 को हमें थॉर लव एंड थंडर देखने को मिलेगा, जिसमें गॉड द गॉड बूचर वर्सेस थॉर द गॉड ऑफ थंडर देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एज गॉड को हराने के लिए कॉमिक्स में पास्ट
प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों थॉर लगे थे, जबकि एमसीयू में अभी तक माइटी थॉर और अपना थॉर कंफर्म्ड है और ऐसा र्यूमर है कि बेटा रिबिल देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ गौर का रोल और कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन बेल कर रहे हैं, जिसने एपिकनेस से कम की उम्मीद तो हम कर भी नहीं सकते हैं। इसके बाद जुलाई 8 में ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर दिखाया जाएगा, जो कि ब्लैक पैंथर 2 मूवी होगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है कि यह मूवी कैसी होगी, एस इसको फिर से डायरेक्ट करने वाले हैं रियान कुगलर, जिन्होंने ब्लैक पैंथर 1 को डायरेक्ट किया था। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा वो ये होगा कि वो ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को बिना रिकास्ट किए उनके पार्ट को मूवी में किस तरह फिट करेंगे, क्योंकि आयरन मैन 1, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के बाद अगर किसी एमसीयू मूवी ने अपना इम्पैक्ट डाला है स्पेशली इन कल्चरल सेक्शन, तो वो था ब्लैक पैंथर। एंड ये पॉसिबल हो पाया था लेट सर चैडविक बोसमैन के वजह से। एंड वाकांडा फॉरएवर कभी भी उनके बिना वैसा नहीं होगा जैसा वो होने वाला था, बट फिर भी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं इस मूवी से, देखते हैं क्या होता है। वेल, इसके बाद अच्छा खासा गैप देने के बाद आएगी दी मार्वल्स, जिसको कैप्टन मार्वल 2 भी कह सकते हैं, बट क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 3 मार्वल्स फीमेल कैरेक्टर होने वाले हैं, इसलिए इसको दी मार्वल्स का टाइटल दिया गया है। इसमें कैरल डैनवर्स AKA कैप्टन मार्वल के अलावा कॉमिक्स में कुछ समय के लिए कैप्टन मार्वल का टाइटल ले चुकी मोनिका रैम्बो, जिसको वांडा विजन में ही पावर मिले हैं, वो भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कॉमिक्स जगत में आते ही टीनेजर्स के बीच में अच्छी खासी जगह बनाने वाली कमाला खान AKA मिस मार्वल भी होगी, जो कि कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है। मिस मार्वल की डिज्नी प्लस में सीरीज आने वाली है, जहां उनकी ओरिजिन स्टोरी से लेकर उनके सुपर हीरो बनने तक का सफर को दिखाया जाएगा। एंड मैं उसमें किसी का कैमियो दिखे ना दिखे, ब्री लार्सन का कैमियो एज अ कैप्टन मार्वल तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। वैसे द मार्वल्स में आप जो एस देख रहे हैं वो मिस मार्वल से लिया गया है, वहीं ए में जो आप सिंबल देख रहे हैं वो शायद मोनिका रैम्बो के लिए है। बाकी लोगों का फ्रंट मोर और लेस कैप्टन मार्वल की मूवी के जैसे ही है। इसके बाद 2023 में हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया देखने को मिलेगा, जो कि फेब 17 को निकलेगा, जिसमें कैंग द कॉन्करर मेन विलन होने वाला है, जिसकी वजह से इस मूवी की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कैंग एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मार्वल चाहे तो पूरे एवेंजर्स के अगेंस्ट भी खड़ा कर सकता है। लेकिन इसको सिर्फ एंटमैन एंड द वास्प के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ट्रेवलिंग कैरेक्टर नहीं बल्कि क्वांटम रियलम से रिलेटेड वाला कोई कैरेक्टर होगा, जो कि हमें मूवी में पता चल जाएगा। अब आते हैं इसके बाद वाले एमसीयू मूवी के ऊपर, जो कि है गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी 3, जो कि May 5, 2023 में निकलने वाली है। वैसे तो ये मूवी फेज 4 के शुरुआत में निकलने वाली थी, लेकिन अब एंड में आने वाली है। एस डिज्नी वालों को एक दिन चुल मची और जेम्स गन के पुराने ट्वीट पर उन्हें निकाल दिया गया। गलती का एहसास होते ही उन्होंने उनको वापस बुलाया, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी, एज उन्होंने दूसरे कई सारे मूवीज ले लिए थे जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। लेकिन वो अपने गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी के ट्रायलॉजी को कंप्लीट करने के लिए एक आखिरी बार आएंगे, एज उन्होंने गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी 2 में इतने सारे ओपनिंग छोड़े हुए हैं जिनको जोड़ना या फिर एटलीस्ट खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन एमसीयू के अंदर पहली मूवी जो कि फॉक्स डिज्नी मर्जर का रिजल्ट होगी, यानी कि फैंटास्टिक 4, वो आने वाली है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2023 में आएगी, एज जिस पैटर्न में एमसीयू वाले अपनी मूवी निकाल रहे हैं उस बेसिस में कह रहा हूँ। बट मैं फिर भी ये बात क्लियर कर दूं कि इसका सिर्फ नाम अनाउंस हुआ है एंड डायरेक्टर, इसके अलावा अभी तक इसकी कास्टिंग तक ही नहीं बताई गई है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा समय लग जाए। देखा जाए तो फैंटास्टिक 4 के जो कास्ट को एमसीयू में यूज किया गया है उन लोगों ने लेजेंडरी परफॉर्मेंस दिया है, अब चाहे वो क्रिस इवांस हो या फिर माइकल बी जॉर्डन। बट क्या फैंटास्टिक 4 मूवी को वो लोग रिडीम कर पाएंगे, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इससे पहले उसके 2 इटरेशन आ चुके हैं, जिसमें से 2015 वाला तो बहुत ही ज्यादा खराब था, जिसमें सिर्फ डॉक्टर डूम कुछ हद तक ठीक दिखाया गया था। वहीं अगर हम पहले के 2 फैंटास्टिक 4 मूवी की बात करें, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, वो अपने समय के हिसाब से ठीक ही थे, उसको उतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। सो गाइज, ये थी अपडेट मार्वल के अपकमिंग मूवीज को लेकर। सो कोई मूवी या अपडेट रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेशन के जरिए
बता सकते हैं। इसके अलावा कैसा रहा आज का दिन, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक मोटो है जो कि है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।